हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम स्वीटी. सो इन दिस वीडियो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ रेड साड़ी मेकअप लुक. सो ये है डे 3 लुक. सो आई होप आपको ये लुक मेरा पसंद आएगा. सो अगर आप देखना चाहते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉइस्चराइजर से. तो मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ की हूँ मैं फेसेस कैनेडा की हाइड्रो मॉइस्चराइजर, एंड ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बेस्ट है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर के लिए स्टे कॉकी की प्राइमर, एंड ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. सो आपके पोर्स को अच्छे से क्लोज करता है एंड ये अफोर्डेबल भी है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन, एंड मैं शेड वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो चेकआउट कीजिएगा. एंड मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सबको ब्लेंड आउट कर ले रही हूँ. नेक्स्ट मैं कंसीलर के लिए यूज़ की हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर, एंड इसे मैं अपने यूजर फेस पे अप्लाई कर रही हूँ एंड अपने आई लिड पे भी अप्लाई कर रही हूँ एज ए आई प्राइमर. एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सबको ब्लेंड आउट कर ले रही हूँ. एंड ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये है कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर, एंड मुझे बहुत पसंद आया गाइस ये ब्यूटी ब्लेंडर. नेक्स्ट मैं अपने कंसलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की ये मेगा ग्लो कंटूरिंग पैलेट. सो इसमें आपको दो शेड मिलता है, सो कंटूरिंग शेड एंड आपको बनाना शेड भी है. तो मैं जो बनाना शेड है बनाना पाउडर है, सो उससे मैं अपने पूरे कंसलर को सेट कर लूँगी अपने फेस को. देन मैं आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की ये आईब्रो किट, एंड इसमें से मैं लाइट ब्राउन शेड लेके अपने आईब्रो को फिल करूँगी, एंड मेरी जो आईब्रो की शेप है मैं उसी में फिल कर रही हूँ अपने आईब्रो को. देन आई शेडो के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की ये आई शेडो पैलेट, एंड इसमें से मैं ये दोनों ट्रांजिशन शेड को लेके बहुत ही लाइटली हूँ एंड मैं अपने आईज़ को डिफाइन कर रही हूँ अपने क्रीज एरिया को. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एटीट्यूड की आई शेडो पैलेट, एंड इसमें से ये रेड शेड लेके बहुत ही प्यारा सा शेड है ये, एंड ये रेड शेड में हल्का सा शिमर भी है, सो इसे मैं लेके अपने पूरे आई लिड पे इसे अप्लाई कर रही हूँ. सेम पैलेट से मैं ब्लैक शेड लेके अपने लोअर लैशेस पे स्मच कर रही हूँ. देन मैं जो ट्रांजिशन शेड अप्लाई की थी उसे भी मैं अपने लोअर लैशेस पे लैश लाइन पे स्मच कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ NYBAKE की लिक्विड आईलाइनर, एंड ये आईलाइनर बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बिगिनर के लिए तो बहुत ही अच्छा है. सो इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैं थोड़ा थिक विंग आईलाइनर लगा रही हूँ. सो इसमें मैं आई मेकअप सिंपल रखी हूँ, सो इसलिए मैं आईलाइनर थोड़ा थिक लगा रही हूँ. नेक्स्ट मैं मस्कारा के लिए यूज़ की हूँ वेट एंड वाइल्ड की ये मस्कारा है, सो इसे मैं अपने अपर एंड लोअर लैसेस पे अप्लाई कर रही हूँ, देन मैं फॉल्स लैसेस भी अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं मेबलिन की कॉलोसल काजल, एंड ये डिप ब्लैक कलर है, सो इसे मैं अपने लोअर एंड अपर वाटर लाइन पे इसे अप्लाई कर रही हूँ. सो मैं सेम वेट एंड वाइल्ड की कंटूरिंग पैलेट यूज़ की हूँ, एंड उससे मैं कंटूरिंग शेड लेके अपने पूरे फेस को मैं कंटूर कर लूँगी एंड अपने नोज़ को भी कंटूर कर लूँगी मैं. नेक्स्ट मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा की मेगा ग्लो ब्लश. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर के लिए मेबलिन की ये मास्टर क्रोम हाइलाइटर है, एंड मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी गाइस, मुझे बहुत पसंद आया ये, एंड इसे मैं अपने यूजर प्लेस पे अप्लाई कर लूँगी.
देन मैं सेम हाइलाइटर से अपने ब्राउ बोन को भी मैं हाईलाइट कर लूंगी, इनर कॉर्नर, आईज के इनर कॉर्नर को भी सेम हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए अप्लाई कर रही हूँ ये है मेबलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक। सो ये शेड बहुत ही प्यारा शेड है, हॉट चिली शेड का नेम है। सो मुझे बहुत पसंद था पहले, तो इसलिए मैं बहुत दिन के बाद से अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लॉरियल की सेटिंग स्प्रे यूज़ की हूँ। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक मेरा पसंद आएगा। सो अगर आपको अच्छा लगे एंड आपको ये लुक पसंद आए एंड आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आप मुझे जरूर बताना आपको ये लुक मेरा कैसा लगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।